देव आदि देवताओं के स्थापन की साधारण विधि। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण पिंडिका की स्थापना के लिए विद्वान पुरुष मंदिर के गर्भगृह को 7 भागों में विभक्त करें और ब्रह्म भाग में प्रतिमा को स्थापित करें। देव मनुष्य और पिशाच भागों में कदापि उसकी स्थापना नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्म भाग का कुछ अंश छोड़कर तथा देव भाग और मनुष्य भागों में से कुछ अंश लेकर उस भूमि में यत्न पूर्वक पिंडिका का स्थापित करनी चाहिए। नपुंसक शिला में रत्नन्यास करें, नृसिंह मंत्र से हवन करके उसी से रत्नन्यास भी करें। व्रीही रत्न लोह आदि धातु और चंदन आदि पदार्थों को पूर्वादि दिशाओं तथा मध्य में बने हुए 9 कुंडों में अपने रुचि के अनुसार छोड़ें। तदनंतर इंद्र आदि के मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं के गर्त को गोकुल से आवृत करके रत्नन्यास की विधि संपन्न करने के पश्चात गुरु शलाका सहित कुश समूहों और सहदेव नामक औषध के द्वारा प्रतिमा को अच्छी तरह मले और झाड़पोछ करें। बाहर भीतर से संस्कार सफाई करके पंचगव्य द्वारा उसकी शुद्धि करें। इसके बाद कुशोदक नदी के जल एवं तीर्थ जल से उस प्रतिमा का प्रोक्षण करें। होम के लिए बालू द्वारा एक वेदी बनावें जो सब ओर से 1.5 हाथ की लंबी चौड़ी हो। वो वेदी चौकोर एवं सुंदर शोभा से संपन्न हो। 8 दिशाओं में यथास्थान कलशों का भी स्थापित करें। उस पूर्वादि कलशों को 8 प्रकार के रंगों से सुसज्जित करें। तत्पश्चात अग्नि ले आकर वेदी पर उसकी स्थापना करें और कुशकंडिका द्वारा संस्कार करके उस अग्नि में त्वमग्ने धूभी इत्यादि से तथा गायत्री मंत्र से समिधाओं का हवन करें। अष्टाक्षर मंत्र से अष्टोत्तर शत घी की आहुति दे पूर्णाहुति प्रदान करें। तत्पश्चात मूल मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित किए गए शांति जल को आम्र पल्लवों द्वारा लेकर इष्ट देवता के मस्तक पर अभिषेक करें। अभिषेक काल में श्रेष्ठ ते लक्ष्मीश्च इत्यादि ऋचा का पाठ करता रहे। उत्तिष्ठ ब्रह्मणास्पते इस मंत्र से प्रतिमा को उठाकर ब्रह्मरथ पर रखे और तद विष्णु इत्यादि मंत्र से उक्त रथ द्वारा उसे मंदिर की ओर ले जाएं। वहां श्रीहरि की उस प्रतिमा को शिविका पालकी में पधारकर नगर आदि में घुमावें और गीत वाद्य एवं वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ उसे पुनः लाकर मंदिर के द्वार पर विराजमान करें। इसके बाद गुरु सुहासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों द्वारा 8 मंगल कलशों के जल से श्रीहरि को स्नान करावें तथा गंध आदि उपचारों से मूल मंत्र द्वारा पूजन करने के पश्चात अतो देवा इत्यादि मंत्र से वस्त्र आदि अष्टांग अर्ध निवेदित करें। फिर स्थिर लग्न में पिंडिका पर देवस्यत्वा इत्यादि मंत्र से इष्ट देवता के उस अर्चा विग्रह को स्थापित कर दें। स्थापना के पश्चात इस प्रकार कहें, सच्चिदानंद स्वरूप त्रिविक्रम, आपने तीनों पगों द्वारा समूची त्रिलोकी को आक्रांत कर लिया था, आपको नमस्कार है। इस तरह पिंडिका पर प्रतिमा को स्थापित करके विद्वान पुरुष उसे स्थिर करें। प्रतिमा स्थिरीकरण के समय ध्रुवाधव इत्यादि तथा दीक्षत चक्षु इत्यादि मंत्रों का पाठ करें। पंचगव्य से स्नान कराकर गंधोदक से प्रतिमा का प्रक्षालन करें और सकलीकरण करने के पश्चात श्रीहरि का सांगोपांग साधारण पूजन करें। उस समय इस प्रकार ध्यान करें, आकाश भगवान विष्णु का विग्रह है और पृथ्वी उसकी पीठी का सिंहासन है। तदनंतर तेजस परमाणुओं से भगवान के श्री विग्रह की कल्पना करें और कहें, मैं 25 तत्वों में व्यापक जीव का आवाहन करूंगा। वो जीव चैतन्यमय परमानंद स्वरूप तथा जागृत स्वप्न और सुषुप्त इन तीनों अवस्थाओं में रहित है। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण तथा अहंकार से शून्य है। वो ब्रह्मा आदि से लेकर कीट पर्यंत समस्त जगत में व्याप्त और सबके हृदयों में विराजमान है। परमेश्वर आप ही जीव चैतन्य है। आप हृदय से प्रतिमा बिंब में आकर स्थिर होइए। आप इस प्रतिमा बिंब को इसके बाहर और भीतर स्थित होकर सजीव कीजिए। अंगुष्ठ मात्र पुरुष परमात्मा जीव रूप से संपूर्ण देहोपाधियों में स्थित है। वे ही ज्योति स्वरूप ज्ञान स्वरूप एकमात्र अद्वितीय परम ब्रह्म है। इस प्रकार सजीवीकरण करके प्रणव द्वारा भगवान को जगावें, फिर भगवान के हृदय का स्पर्श करके पुरुष सूक्त का जप करें। इसे सानिध्यकरण नामक कर्म कहा गया है। इसके लिए भगवान का ध्यान करते हुए निम्नांकित गुह्य मंत्र का जप करें। प्रभो आप देवताओं के स्वामी हैं, संतोष वैभव रूप हैं, आपको नमस्कार है। ज्ञान और विज्ञान आपके रूप हैं, ब्रह्म तेज आपका अनुगामी है। आपका स्वरूप गुणातीत है, आप अंतर्यामी पुरुष एवं परमात्मा हैं, अक्षय पुराण पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। विष्णु आप यहाँ सन्निहित होइए, आपका जो परम तत्व है, जो ज्ञानमय शरीर है, वो सब एकत्र हो, इस अर्चा विग्रह में जाग उठे। इस प्रकार परमात्मा श्री हरि का सान्निध्यकरण करके ब्रह्मा आदि परिवारों की उनके नाम से स्थापना करें। उनके जो आयुध आदि हैं उनकी भी मुद्रा सहित स्थापना करें। यात्रा संबंधी उत्सव तथा वार्षिक आदि उत्सव की भी योजना करके और उन उत्सवों का दर्शन कर श्रीहरि को अपने सन्निहित जानना चाहिए।
भगवान को नमस्कार स्रोत आदि के द्वारा उनके स्तुति तथा उनके अष्टाक्षर आदि मंत्र का जप करते समय भी भगवान को अपने निकट उपस्थित जानना चाहिए। तदनंतर आचार्य मंदिर से निकलकर द्वारवर्ती द्वारपाल चंड और प्रचंड का पूजन करें, फिर मंडप में आकर गरुड़ की स्थापना एवं पूजा करें। प्रत्येक दिशा में दिक्पालों तथा अन्य देवताओं का स्थापन पूजन करके गुरु विश्वक्सेन की स्थापना तथा शंख चक्र आदि की पूजा करें। संपूर्ण पार्षदों और भूतों को बलि अर्पित करें। आचार्य को दक्षिणा रूप से ग्राम वस्त्र एवं सुवर्ण आदि का दान दें। यज्ञोपयोगी द्रव्य आदि आचार्य को अर्पित करें। आचार्य से आधी दक्षिणा ऋक्विजों को दें। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दें और भोजन करावें। वहां आने वाले किसी भी ब्राह्मण को रोके नहीं, सबका सत्कार करें। तदनंतर गुरु यजमान को फल दें। भगवत विग्रह की स्थापना करने वाला पुरुष अपने साथ संपूर्ण कुल को भगवान विष्णु के समीप ले जाता है। सभी देवताओं के लिए साधारण विधि, किंतु उनके मूल मंत्र पृथक पृथक होते हैं, शेष सब कार्य समान है। अवभ्रत स्नान, द्वार प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण आदि की विधि का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन् अब मैं अवभ्रत स्नान का वर्णन करता हूँ। विष्णोर्नु कयम विर्याणी इत्यादि मंत्र से हवन करें। 81 पद वाले वास्तुमंडल में कलश स्थापित करके उसके जल से श्रीहरि को स्नान करावे। स्नान के पश्चात गंध पुष्प आदि से भगवान की पूजा करें और बलि अर्पित करके गुरु का पूजन करें। अब मैं द्वार प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। गुरुद्वार के निम्न भाग में सुवर्ण रखें और 8 कलशों के साथ वहां 2 गुलर की शाखाओं को स्थापित करें। फिर गंध आदि उपचारों और वैदिक आदि मंत्रों से सम्यक पूजन करके कुंडों में स्थापित अग्नि में संविधा, घी और तिल आदि की आहुति दें। तत्पश्चात शैया आदि का दान देकर नीचे आधार शक्ति की स्थापना करें। दोनों शाखाओं के मूल भाग में चंड और प्रचंड नामक देवताओं की स्थापना करें। उन्दबर शाखाओं के ऊपरी भाग में देववृंद पूजित लक्ष्मी देवी की स्थापना करके श्री सूक्त से उनका यथोचित पूजन करें। तत्पश्चात ब्रह्मा जी का पूजन करके आचार्य आदि को श्रीफल नारियल आदि की दक्षिणा दें। प्रतिष्ठा द्वारा सिद्ध द्वार पर आचार्य श्रीहरि की स्थापना करें। मंदिर की प्रतिष्ठा फत प्रतिष्ठा इत्यादि मंत्र से की जाती है, इसका वर्णन सुनो। वेदी के पहले गर्भगृह में शिरोभाग में जहाँ शुकनासा की समाप्ति होती है, उस स्थान पर सोने अथवा चांदी के बने हुए श्वेत निर्मल कलश की स्थापना करें। उसमें 8 प्रकार के रत्न, औषधि, धातु, बीज और लोह सुवर्ण छोड़ दें। उस सुंदर कलश के कंठ भाग में वस्त्र लपेट कर उसमें जल भर दें और मंडल में उसका अधिवासन करें। उसमें पल्लव डाल दें। तत्पश्चात नरसिंह मंत्र से घी में अग्नि की धारा गिराते हुए होम करें। नारायण तत्व से प्राणन्यास करें। सुरेश्वर प्रासाद के उस कलश का वैराज्य रूप में चिंतन करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष संपूर्ण प्रासाद ही पुरुष की भांति चिंतन करें। तदनंतर नीचे सुवर्ण देकर तत्वभूत कलश की स्थापना करें। गुरु आदि को दक्षिणा दें और ब्राह्मण आदि को भोजन करा दें। तत्पश्चात वेदी के चारों ओर सूत या माला लपेटें, उसके ऊपर कंठ भाग में सबोर सूत अथवा बंधनवार बांधें और उसके भी ऊपर विमला मलसार नामक पुष्पहार या बंधनवार मंदिर के चारों ओर बांधें। उसके ऊपर वृकल तथा उसके भी ऊपर आदि सुदर्शन चक्र बनावें। वही भगवान वासुदेव की ग्रहगुप्त मूर्ति निवेदित करें अथवा पहले कलश और उसके ऊपर उत्तम सुदर्शन चक्र की योजना करें। ब्रह्मन् वेदी के चारों ओर 8 विघ्नेश्वरों की स्थापना करनी चाहिए अथवा 4 दिशाओं में 4 ही विघ्नेश्वर स्थापित किए जाने चाहिए। अब गरुड़ ध्वजारोहण की विधि बताता हूँ, जिसके होने से भूत आदि नष्ट हो जाते हैं। प्रासाद बिंब के द्रव्यों में जितने परमाणु होते हैं, उतने सहस्र वर्षों तक मंदिर निर्माता पुरुष विष्णु लोक में निवास करता है। निष्पाप ब्रह्मा जी जब वायु से ध्वज फहराता है और कलश वेदी तथा प्रासाद बिंब के कंठ को आविष्टित कर लेता है, तब प्रासाद कर्ता को ध्वजारोहण की अपेक्षा भी कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। पताका को प्रकृति जानो और दंड को पुरुष। साथ ही मुझसे ये भी समझ लो कि प्रासाद मंदिर भगवान वासुदेव की मूर्ति है। मंदिर भगवान को धारण करता है, वही उसमें धरणी तत्व है, ऐसा जानो। मंदिर के भीतर जो शून्य अवकाश है वही उसके आकाश तत्व है। उसमें जो तेज या प्रकाश है वही अग्नि तत्व है और उसके भीतर जो हवा का स्पर्श होता है वही उसमें वायु तत्व है। पाषाण आदि ही जो जल है वो पार्थिव जल है, उसमें पृथ्वी का गुण गंध विद्यमान है। प्रतिध्वनि से जो शब्द प्रकट होता है वही वहाँ का शब्द है। छूने में कठोरता आदि का जो अनुभव होता है वही वहाँ का स्पर्श है। शुक्ल आदि वर्ण रूप है। आह्लाद का अनुभव कराने वाला रस ही वहाँ रस है। धूप आदि की गंध ही वहाँ की गंध है। भेर आदि में जो नाद प्रकट होता है वही मानो वाग्निंद्रियों का कार्य है, इसलिए वही वागिंद्रिय की स्थिति है। शुकनासा में नासिका की स्थिति है। दो भद्रात्मक भुजाएं कही गई है। शिखर पर जो अंड सा बना रहता है वही मस्तक कहा गया है और कलश को केश बताया गया है।
प्रासाद का कंठ भाग ही उसका कंठ जानना चाहिए। वेदी को कंघा कहा गया है। दो नालियां गुदा और उपस्थ बताई गई है। मंदिर पर जो चूना फेरा गया है उसी को त्वचा नाम दिया गया है। द्वार उसका मुख है और प्रतिमा को मंदिर का जीवात्मा कहा गया है। पिंडिका को जीव की शक्ति समझो और उसकी आकृति को प्रकृति। निश्चलता उसका गर्भ है और भगवान केशव उसके अधिष्ठाता। इस प्रकार ये भगवान विष्णु ही साक्षात मंदिर रूप से खड़े हैं। भगवान शिव उसकी जंगा है। ब्रह्मा स्कंद भाग में स्थित है और उदर्व भाग में स्वयं विष्णु विराजमान है। इस प्रकार स्थित हुए प्रासाद की ध्वज रूप से जो प्रतिष्ठा की गई है उसको मुझसे सुनो। शस्त्रादि चिन्हित ध्वज का आरोहण करके देवताओं ने दैत्यों को जीता है। अंड के ऊपर कलश रखकर उसके ऊपर ध्वज की प्रस्थापना करें। ध्वज का मान बिंब के मान का आधा भाग है। ध्वजदंड की लंबाई के एक तिहाई भाग से चक्र का निर्माण करना चाहिए। वो चक्र 8 या 12 अरों का हो और उसके मध्य भाग में भगवान नरसिंह तथा गरुड़ की मूर्ति हो। ध्वज दंड टूटा फूटा या छेद वाला ना हो। प्रासाद की जो चौड़ाई है उसी को दंड की लंबाई का मान कहा गया है, अथवा शिखर के आधे या एक तिहाई भाग से उसकी लंबाई का अनुमान करना चाहिए, अथवा द्वार की लंबाई से दुगुना बड़ा दंड बनाना चाहिए। उस ध्वज दंड को देव मंदिर पर ईशान या वायव्य कोण की ओर स्थापित करना चाहिए। उसकी पताका रेशमी आदि वस्त्रों से विचित्र शोभायुक्त बनावे अथवा उसे एक रंग की ही बनावे। यदि उसे घंटा चंवर अथवा छोटी छोटी घंटियों से विभूषित करे तो वो पापों का नाश करने वाली होती है। दंड के अग्रभाग से लेकर भूमि तक लंबा जो एक वस्त्र है उसे महाध्वज कहा गया है। वो संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। जो उससे एक चौथाई छोटा हो वो ध्वज पूजित होने पर सर्व मनोरथों का पूरक होता है। ध्वज के आधे मान वाले वस्त्र से बने हुए झंडे को पताका कहते हैं, अथवा पताका का कोई माप नहीं होता। ध्वज का विस्तार भी संगुल के बराबर होना चाहिए। चक्र दंड और ध्वज इन सब का अधिवासन की विधि से देवता की भांति सकलीकरण करके मंडप स्थान, मंडप में लगाने की क्रिया आदि सब कार्य करें। नेत्रोन मिलन को छोड़कर पूर्वोक्त सब कर्मों का अनुष्ठान करें। आचार्य को चाहिए कि वो इन सब को विधिवत शैया पर स्थापित करके इनका अधिवासन करें। तदनंतर विद्वान पुरुष सहर्ष शीर्ष इत्यादि सूक्त का ध्वजांकित चक्र में न्यास करें तथा सुदर्शन मंत्र एवं मनस्तत्व का न्यास करें। ये मन रूप से उस चक्र का ही सजीवीकरण कहा गया है। सूर्यश्रेष्ठ 12 अरों में क्रमशः केशव आदि मूर्तियों का न्यास करना चाहिए। गुरुचक्र की नाभि कमल एवं प्रतिनेमियों में तत्वों का न्यास करें। कमल में नरसिंह अथवा विश्वरूप का निवेश करें। दंड में जीव सहित संपूर्ण सूत्रात्मा का न्यास करें। ध्वज में श्रीहरि का ध्यान करते हुए निष्कल परमात्मा का निवेश करें। उसके बलाबला रूपा व्यापिनी शक्ति का ध्वज के रूप में ध्यान करें। मंडप में उसकी स्थापना और पूजा करके कुंडों में हवन करें। कलश में सोने का टुकड़ा और पंचरत्न डालकर अस्त्र मंत्र से चक्र की स्थापना करें। तदनंतर स्वर्ण चक्र को नीचे से पारे द्वारा संप्लावित करके नेत्रपट से आच्छादित करें। तदनंतर चक्र का निवेश करें और उसके भीतर श्रीहरि का स्मरण करें। ओम शौ नृसिंहाय नमः। इस मंत्र से श्रीहरि की स्थापना और पूजा करें। तदनंतर बंधु बांधवों सहित यजमान ध्वज लेकर दही भात से युक्त पात्र में ध्वज का अग्रभाग डाले। आदि में ओम और अंत में फट लगाकर ओम फट इस मंत्र से ध्वज का पूजन करें। तत्पश्चात उस पात्र को सिर पर रखकर नारायण का बारंबार स्मरण करते हुए वाद्यों की ध्वनि और मंगल पाठ के द्वारा परिक्रमा करें। तदनंतर अष्टाक्षर मंत्र से ध्वज दंड की स्थापना करें। विद्वान पुरुष मुयंयामि मुंचामि त्वा इस सूक्त के द्वारा ध्वज को फहरावे। द्विज को चाहिए कि वो आचार्य को पात्र ध्वज और हाथी आदि दान करें। वो ध्वजारोपण की साधारण विधि बताई गई। जिस देवता का जो चिन्ह है उस संयुक्त ध्वज को उसी देवता के मंत्र से स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। मनुष्य ध्वज दान के पुण्य से स्वर्गलोक में जाता है तथा पृथ्वी पर बलवान राजा होता है।